हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आपका स्वागत है नमो टेक्नीशियन में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे हेक्सो पिच के बारे में। ठीक है, हेक्सो पिच से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारा आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पिच का, पिच क्या होता है। ठीक है, तो हेक्सो ब्लेड में जो टीथ होते हैं, ठीक है, दो टीथ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को पिच कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें ग्रेड दिया हुआ है। ठीक है, कोर्स ग्रेड, मीडियम ग्रेड, फाइन ग्रेड और सुपर फाइन ग्रेड। ठीक है, तो देखिए कोर्स ग्रेड में क्या होता है, इसका जो हेक्सो ब्लेड का जो टीथ होता है उसका डिस्टेंस थोड़ा सा दूर दूर में होता है। ठीक है, मीडियम ग्रेड में उससे थोड़ा नज़दीक होता है, फाइन में और थोड़ा नज़दीक होता है, सुपर फाइन में उससे और थोड़ा ज़्यादा नज़दीक होता है। ठीक है, यानी कोर्स ग्रेड में आप देख सकते हैं 1 इंच में ओनली 14 TPI है, 1 इंच में 14 टीथ। ठीक है, मीडियम में 18 टीथ। ठीक है, फाइन में 24 टीथ और सुपर फाइन में 32 टीथ। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेड दिया हुआ है, पिच दिया हुआ है और इसका यूजेज दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, टेबल सारा देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोर्स ग्रेड ब्लेड का। ठीक है, कोर्स ग्रेड ब्लेड का पिच होता है 14 TPI और 1.8 mm, ये mm में दिया हुआ है और ये इंच में दिया हुआ है। ठीक है, और इसका यूजेज कहाँ पर होता है, ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल यानी ब्रास, ब्रॉन्ज, लार्ज सेक्शन। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ब्रास या ब्रॉन्ज मटेरियल का किसी जॉब में या लार्ज सेक्शन, ठीक है, लार्ज सेक्शन में हम लोगों को अगर हेक्सोइंग करना है तो हम लोग कोर्स ग्रेड ब्लेड का यूज करेंगे और उसका पिच होगा 14 TPI और 1.8 mm उसका पिच होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मीडियम ग्रेड ब्लेड का। ठीक है, इसका पिच होगा 18 TPI और 1.4 mm। ठीक है, इसका यूज हम लोग करेंगे टूल स्टील, हाई स्पीड स्टील, कास्ट आयरन। टूल स्टील को ही हाई कार्बन स्टील भी कहा जाता है। ठीक है, तो हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, कास्ट आयरन को काटने के लिए, हेक्सोइंग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फाइन ग्रेड ब्लेड का। ठीक है, इसका पिच होता है 24 TPI और 1 mm। इसका यूज करते हैं ब्रास ट्यूब, कॉपर पाइप, आयरन पाइप, कॉपर चैनल। ठीक है, ये सबको काटने में फाइन ग्रेड ब्लेड का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सुपर फाइन। ठीक, सुपर फाइन का पिच होता है 32 TPI और 0.8 mm। ठीक है, इसका यूज होता है कॉन्डुइट थिन पाइप सीट मेटल। ठीक है, कॉन्डुइट मतलब खोखला पाइप। ठीक है, खोखला पाइप, थिन पाइप, सीट मेटल, ये सब का, इन तीनों को काटने के लिए सुपर फाइन ग्रेड ब्लेड का यूज करते हैं। ऐसा करता हूँ, टेबल क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देख सकते हैं व्हाट इज द पिच ऑफ द ब्लेड टू कट टूल स्टील हाई स्पीड स्टील। तो व्हाट इज द पिच ऑफ ब्लेड। ठीक है, तो टूल स्टील हाई स्पीड स्टील को काटने के लिए जो पिच का यूज किया जाता है, ठीक है, वो होता है 18 TPI और 1.4 mm। ठीक है, अगर ऑप्शन इंच में रहेगा तो 18 TPI हो जाएगा, mm में रहेगा तो 1.4 mm हो जाएगा, और अगर ग्रेड पूछेगा किस ग्रेड का ब्लेड यूज करेंगे तो मीडियम ग्रेड का ब्लेड यूज करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। थैंक यू।